हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार, आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना, जिसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। अब तक जो हमने किया, हमने बताया आपको कि कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। इफ़ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन, देन वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, और वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इफ द स्केलर पोटेंशियल, यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन, देन व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, दैट वी विल डिस्कस इन टूडे लेक्चर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें हम, ठीक है? या इस टॉपिक को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको एक्सप्रेस करना द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम दोनों हेडिंग लिख लेंगे, ठीक है? दोनों टॉपिक का जो नाम है वो दोनों लिखेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करें। चलो भाई बहुत बढ़िया, आ जाएंगे सभी के सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ठीक है? और जो सीरीज है, चैप्टर का जो नाम है वो है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है? चलिए तो अपने पास हेडिंग ये डालेंगे, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम इसको और भी बोल सकते हैं, ठीक है? अनदर जो नाम हम वो ये भी लिख देते हैं टॉपिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब ये ग्रेडियंट क्या है वो भी हम बताएंगे, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक होगा और हम इसके बारे में डिस्कस करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? वो सरफेस होती हैं, रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। जिस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहे। और इनकी प्रॉपर्टीज़ में हमने बताया था, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी वॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये हमने बताया। साथ ही साथ थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये भी बोल सकते हैं, द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ठीक है? तो ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ हम इस चैप्टर अपने पास इस टॉपिक में उनका यूज है, ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का है क्या है ये यूज है इसमें। देखो क्या करेंगे हम, एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की फैमिली लेते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? हम क्या लेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की फैमिली लेंगे जिससे हम बताएंगे। देखो कंसीडर कंसीडर ए फैमिली ऑफ कंसीडर ए फैमिली ऑफ, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है? ये आप वाली फैमिली नहीं है, ये अपने पास कौन सी फैमिली है,
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, ठीक है, हम फिजिक्स के अंदर इन्हीं फैमिली की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम बात करें, देखो, कंसिडर ए फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, ये अपने पास एक फैमिली कंसिडर करेंगे, साथ ही साथ में देखो, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between any two adjacent surfaces is dv। मान लेते हैं कि जो potential difference आता है दो surfaces में वो dv है, इतनी closely spaced है, that is हम कह सकते हैं closely spaced है, that is these are placed very closely, ठीक है, these are placed closely to each other, ये आपस में क्या है, बहुत ही closely placed है, ठीक है। जैसे हम बताएं, इसको दिखा देते हैं, चलो ये हमने बोला कि देखो कुछ इस प्रकार से, ये अपने पास कुछ ज़्यादा कर्वेचर हो गया इसका, ये कुछ अपने पास एक फैमिली ले रहे हैं, हम किन की ले रहे हैं फैमिली, हम ले रहे हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, ठीक है, ये अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ फैमिली है, ठीक है, क्लोज हैं, बहुत ही पास हैं ये, इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो हमें पता है, देखो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इन द फिगर एट पॉइंट पी। मान लेते हैं कोई पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक जो फील्ड अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर, मान लेते हैं भाई ये फील्ड यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, चलिए हमने ये बोल दिया ये पॉइंट पी है हमारे पास, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, देखो हम शो करते हैं इसमें, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि मान लो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ये वाला, ये हम बोल देते हैं कि भैया ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, और हर एक पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक जो सरफेस है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना dv है, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस dv, ये भी dv है, ये भी dv है, ठीक है, सभी सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, dv ले रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक पोटेंशियल सरफेस अपना एक यूनिक पोटेंशियल रखती है, तो यहाँ पर कुछ अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, लेकिन जो डिफरेंस है उनका वो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, फॉर द मेकिंग द कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया पॉइंट पी के ऊपर, अब हम देखो हम एक पॉइंट चार्ज को, ठीक है, कैरी करवाएंगे, देखो इफ वी मूव ए पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ठीक है, Q0 फ्रॉम पॉइंट P2 इट्स एडजसेंट सरफेस अलोंग ds वेक्टर, ठीक है।
मतलब ये है, ये ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम एक चार्ज q नोट को, ठीक है, हम एक चार्ज q नोट को, ये हमने बोल दिया ये चार्ज है q नोट, इस q नोट को हम पॉइंट p से जो है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds वेक्टर हम इस प्रकार से मूव करवा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमने बोल दिया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds वेक्टर, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ये अरेंजमेंट देखो अभी तक हमने किया, ठीक है, ये सिंपल अरेंजमेंट अब तक हमने किया। हमने क्या बोला, हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की फैमिली ले ली, और वहाँ इस किसी भी एक सरफेस के पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, और रेंडम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एस वेक्टर रेंडमली हम मूव करवा रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज क्यू नोट को, ठीक है, फ्रॉम वन सरफेस टू अनोदर एडजस्टेंट सरफेस, यहाँ पर इस प्रकार से मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो वर्क डन जो है, हम बोले कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होगा, ठीक है। देखो नाउ अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना होगा, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो होगा हमें पता है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में यदि हम किसी चार्ज क्यू नोट को स्लोली स्लोली वेरी करवा रहे हैं किसी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के ऊपर, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू द नेगेटिव चेंज ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कैन बी रिटन इज क्यू नोट इन टू डी वी। ये बात समझ में आई, हमने पहले चर्चा कर चुके हैं पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो वहीं से हमने लिखी है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड दिस वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखो इस वर्क डन को है हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डीएस वेक्टर, ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है वर्क डन की, चलो ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं देखो क्यू नोट इनटू किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास जो फोर्स लगेगा क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होगा, सही है। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, देखो q नोट e ds cos थीटा, इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से, देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से देखेंगे तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा, देखो हम ये बोल सकते हैं भाई यहाँ पर होगा e ds cos थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस का dv, या हम इसको लिख सकते हैं देखो e cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस, ठीक है ये सही है, बिल्कुल ठीक है, वीडियो इज ऑन गोइंग वेरी वेल। अब देखो होगा क्या, ये हमें एक्सप्रेशन मिला ई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। देखो क्या ये जो ई कोस थीटा है क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, क्या ये जो ई कोस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट है, बिल्कुल जी है, किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ है, ई कोस थीटा इस तरफ है कि नहीं है, अरे भैया इस तरफ है कि नहीं है, इस डीएस इस एक्सिस की तरफ है कि नहीं है, ये वाली जो एक्सिस है हम बात कर रहे हैं देखो इस तरफ, क्या इस एक्सिस की तरफ है कि नहीं है, ठीक है, इस तरफ है कि नहीं ये कंपोनेंट ई कोस थीटा। सपोज मान लो कि इस e cos थीटा को मैं लिखने जा रहा हूँ es, ठीक है, e cos थीटा को मैं लिख रहा हूँ es, क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ es बोले तो s एक्सिस, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को मैंने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया नाम,
एस की तरह करस्पोंडिंग है तो हमने बोल दिया ये एस एक्सिस है, ठीक है। तो ई एस हो गया और ई एस इज इक्वल टू होगा अपने पास माइनस डी वी अपॉन डी एस, सही बात है। अब देखो ये जो चेंज है पोटेंशियल में, जो चेंज है एस एक्सिस में, ठीक है, एस एक्सिस में जो पोटेंशियल में चेंज है डी वी अपॉन डी एस, वो पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और यहां पर जो है ई कोस थीटा को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। इस ई कोस थीटा को हम बोल रहे हैं कि भैया ये ई कोस थीटा केवल इसी लाइन में चेंज होगा, इसको फिक्स कर दिया है एक तरह से। और ये जो डी वी अपॉन डी एस है ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है एस एक्सिस के अलोंग। तो क्या ये जो डिफरेंशिएशन है, क्या ये जो डिफरेंशिएशन है, क्या मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिख सकता हूँ? ई एस इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एस लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है, ये जो पोटेंशियल है केवल एक्स एक्सिस, ये एस एक्सिस में चेंज हो रहा है, हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले ली एस एक्सिस वाली, ठीक है, और इसको हमने ई एस कॉन्स्टेंट बना दिया पर्टिकुलर थीटा के अलोंग, ई कोस थीटा। मतलब ये होगा कि देखो डी एस, डी एस के अलोंग चलोगे, मतलब इस एस एक्सिस में चेंज करोगे, देखो डी एस में चेंज करोगे तो डी वी चेंज होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और ई एस ये अपने पास मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये अपने मिली एस एक्सिस के ऊपर। अब सपोज करो, ठीक है, इस जो अपने पास डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एस एक्सिस में है। तो अब देखो, इफ वी रिप्लेस एस एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन वी गेट, सपोज करो रेंडम एस एक्सिस है, इसकी जगह मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, तो एक्स एक्सिस में बोलूंगा तो क्या ई एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्या मैं वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या ई जेड के करस्पॉन्ड में माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन है केवल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, मान लीजिए ये एस केप है, ठीक है। तो यहां पर क्या इसको वेक्टर में लिख सकता हूं? ये एक्स केप, क्या ये वाई केप और क्या ये जेड केप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब ये लिख सकते हैं तो क्या मैं वेक्टर को भी डिजाइन कर सकता हूं? ठीक है। थस क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसा लिखा जा सकता है, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के कैप लिख सकते हैं? तो क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स केप डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, माइनस वाई केप डेल वी अपॉन डेल वाई और माइनस जेड केप डेल वी अपॉन डेल जेड लिखा जा सकता है? और क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड केप डेल अपॉन डेल जेड एंड दिस इज इक्वल टू वी। और ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड द डेल ऑपरेटर, मींस माइनस डेल वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और करते कर, ठीक है, आप इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करो या ना करो कोई बात, कोई डोंट केयर, ठीक है। ये अपने पास होगा डेल ऑपरेटर, यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर है दिस इज इक्वल टू एक्स केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड केप डेल अपॉन डेल जेड, ये अपने पास होता है डेल ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेल ऑपरेटर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक्सप्रेशन बने, देखो फाइनल जो अरेंजमेंट है अपने पास ये मिला, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको यदि पोटेंशियल की एक्सप्रेशन दे दी जाए, मान लीजिए पोटेंशियल आपको फंक्शन दे दिया जाए एक्स वाई जेड का,
तो आप इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो उस पॉइंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। यदि आपको कैलकुलेट करना तो वहां पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम पुट कर देंगे और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास मिला। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये जो है फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये अपने पास प्रोसेस है। ठीक है, ये अपने पास एक्सेस है। ठीक है, ये एस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किया, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये अपने पास नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो जा रहे हैं, ये इस तरफ ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो, ये तो कंपोनेंट हो गया एस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये वाला, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखो हम आगे भी देखो इस एक्सप्रेशन से हम एक और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो ये हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे इसको। देखो आगे देखो, हम इसको देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को देखो हम कैसे करते हैं। ये वाली देखो, e cos theta is equal to, ये होगा देखो e cos theta is equal to, अपने पास है माइनस dv अपॉन ds। अब देखो ये जो है cos theta, theta जो है, यदि आप theta को वेरी करवाओ, मान लो हम जो चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो अपने पास करवा रहे हैं किसी चार्ज q नोट को, इस q नोट चार्ज को हम इस एस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम वेरी करवा रहे हैं। मान लो थीटा आप वेरी करवाओ, थीटा को आप चेंज करोगे, मान लो कि हम इस प्रकार से वेरी करवा रहे हैं, अब की बार हमने इस तरह मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो थीटा को आप चेंज कर रहे हो, अब आप थीटा को चेंज करोगे तो ये जो डी वी अपॉन डी एस है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये मैक्सिमम चेंज कब आएगा, देखो ये नेगेटिव साइन तो ही रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज होता है, सिंपल। अब इसकी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वो कब होगा, फॉर मैक्सिमम डिक्रीमेंट विल अकर, फॉर मैक्सिमम डिक्रीमेंट क्या थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पुट करना चाहिए मेरे को, क्या थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पुट करेंगे तो क्या E इज इक्वल टू होगा माइनस डी वी अपॉन डी एस, एंड दिस विल बी दी मैक्सिमम डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल, मैक्सिमम डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल। ठीक है, और ये कब है, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है, मीन्स आप जो है डिस्प्लेसमेंट जो है किस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करवाओ, मतलब इस पोटेंशियल अपने पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर जब आप उसको मूव करवाओगे तो आपको जो पोटेंशियल में जो चेंज मिलता है वो मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, वेक्टर में हम लिखें देखो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एस, और यहां पर एस्केप, ये क्या है, ये हम लिखते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V इन टर्म्स ऑफ थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो है ये बता रहा है कि आप जो है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाओगे या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर जब आप मूव करोगे किसी चार्ज क्यू नोट को तो जो पोटेंशियल में जो आप जो चेंज देखोगे डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में वो मैक्सिमम चेंज आएगा, और उसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, प्रवणता, विभव प्रवणता बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, विभव प्रवणता, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन आती है, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, थ्री डायमेंशन में हमने लिख दिया इसको, ये वाला। ठीक है, देखो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स वी प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड, ये अपने पास एक्सप्रेशन मिला अपने पास। ठीक है, और इसको हम नोट करेंगे
अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं इजी से। देखो इसको हम इरेज करेंगे। क्वेश्चंस जो है सिंपल आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए पोटेंशियल की आपको कुछ एक्सप्रेशन दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट और कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि अपने पास दे दिया जाए, देखो एग्जांपल सपोज कीजिए आपको ये दे दिया जाए, वी एक्स वाई जेड आपको दे दिया जाए कि ये अपने पास देखो ये 2x है स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर माइनस अपने पास z स्क्वायर दे दिया जाए एंड गिवन, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड आउट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 110, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो हमें पता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और इसको हम लिख सकते हैं देखिए माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, ठीक है, आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स के सापेक्ष हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो अपने पास मिलेगा देखो ये अपने पास होगा 4x, ठीक है, और बाकी जो अपने पास एक्स के रेस्पेक्ट में बाकी को जीरो हो जाएगा। अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास हो जाएगा देखो 6y और के कैप जो है अपने पास होगा देखो यहाँ पर माइनस का 2z बनेगा, ठीक है। तो अपने पास जो है एक्सप्रेशन दैट इज माइनस 4x आई कैप प्लस 6y जे कैप और माइनस 2z के कैप, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 110। तो देखिए अपने पास जगह एक्स की जगह हम पुट करेंगे 1 यानी माइनस 4i के प्लस 6j के और ये अपने पास 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन बनेगी देखो इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जनरल था, बहुत ईजी अपने पास क्वेश्चन किए हमने, ये वाला तो एग्जाम्पल है जस्ट फॉर क्लियरिटी। अब देखो हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी ये वाला जो टॉपिक हुआ अपना कंप्लीट, बाद में इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं या तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे या फिर आपको बताएंगे एक दो टॉपिक और है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी वाला। किसी डायपोल को जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो कुछ हम बताएंगे टॉपिक, और उसके बाद में हम इसके ऊपर रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स वो करेंगे एक साथ, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।